जय हिंदिजास आस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसपी सक्सेस फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एसएसपी एंड एफएसपी प्लीज जॉइन आर टेलीग्राम चैनल सक्सेस, एस लिंक सक्सेज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग एसएसपी एंड एफएसपी डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एस सक्सेस सो टूडे वी आर गोइंग टू कवर द इक्विपमेंट विच आर यूज बाई इंडियन आर्मी सो गाइज येस्टडे वी कंडक्टेड अ सेशन विद सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर सो उसमें बच्चे आए थे वी एक्सपेक्टेड मो तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनको उनकी ये प्रॉब्लम थी कि मतलब उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थे या फिर वो उनको कुछ को पता ही नहीं चला क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको बताया कि सेशन होगा तो उसके लिए हम आपको मतलब आपसे अपॉलोजाइज करते हैं फ्यूचर में हम ऐसे सेशन कंडक्ट करेंगे और जिन्होंने वो सेशन देखा है तो प्लीज़ आप अपने रिव्यूज़ बताइए सो so दैट हम आगे ये सेशन कंडक्ट कर पाए सो नाओ लेट्स गेट स्टार्ट विदा वीडियो ओके सो दिस वुड बी आ पार्ट वन और उसके बाद पार्ट टू आएगा सो so, पहले इन्फेंट्री वेपन्स की बात करते हैं तो स्मॉल आर्म में पहले पिस्टल ऑटो नाइन एम एम वन ए जो कि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो कि नाइन इंटू नाइनटीन एम एम ए यूज़ करती है ओके okay, उसके सेकेंड हमारे पास है ग्लॉक ग्लॉक एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है उसकी भी जो पैराबेलम है दैट इज़ 9 इंटू नाइनटीन एम उसके बाद शॉर्ट गन शॉर्ट गन में ट्वेल्व बोर्ड पैक पंप एक्शन और ये ट्वेल्व गॉज शॉर्ट गन है उसके बाद एस की बात करते हैं एस का फुल फॉर्म है सम मशीन सब मशीन गन सबसे पहले है हैच एम पी फाइव जो एम पी फाइव है वो मशीन पिस्टल फाइव मतलब एम पी फाइव का फुल फॉर्म है मशीन पिस्टल फाइव ये एक नाइन इंटू नाइनटीन एम एम पैराबलम सब मशीन गन है जिसको डेवलप किया गया था 1960 में बाय अ टीम ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम द जर्मन स्मॉल आर्म्स और जिसके मैनुफेक्चर है हेकलर जी एम बी एच ओके ऑफ ओबर नॉट ऑफ एम नेकर सेकंड है माइक्रो उजी मशीन पिस्टल जो कि नाइन इंटू नाइनटीन एम एम पैराबेलम की है ओके उसके बाद है साफ कार्बाइन टू ए वन जो कि सब मशीन गन है जो कि नाइन इंटू नाइनटीन एम एम पैराबेलम की है असोल्ट राइफल्स की बात करते हैं पहली है इंसास ये मोस्टली यूज असॉल्ट राइफल है इंडियन आर्म फोर्सेस की और जिसको ओरिजिनेट किया गया था इंडिया में ये एक लाइट मशीन गन वेरिएंट है और इसकी बेसिक डिज़ाइन जो है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू एकेएम बट हैज सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस टू ओके अपार्ट फ्राम दैट वी हैव मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम ये इंडिजीनियसली डेवलप राइफल हैं इंडिया के द्वारा जिसको एक्सपेक्ट किया गया था कि वो रिप्लेस करेगी मोस्टली इंसास को ओके इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स दैट डिज़र्व अप्रिसिएशन और इसकी इंडक्शन जो है आर्मी में दैट विल इम्प्रूव द फाइटिंग स्किल्स ऑफ आर सोल्जर्स देन ए के एम पी ये असोल्ट राइफल को यूज़ किया जाता है इंडियन आर्म फोर्सिस में जिसका बेसिक डिज़ाइन जो है वो ए के फोर्टी सेवन राइफल जैसा है ए के एम मॉडर्नाइज फॉर्म है फेमस ए के फोर्टी सेवन का और इसका जो फायरिंग रेट है दैट इज़ सिक्स हंड्रेड राउंडस पर मिनट एंड कम्स विद सेमी ऑटोमैटिक एंड फुली ऑटोमेटिक मोड इसका जो नाम है वो है एफ्तोमेथ कैल्शनोमिश का और ए के सीरीज एक ऑटोमेटिक राइफल है दैट वो फाउंड अ हिट अमंग सोल्जर्स आफ्टर इट्स इन्वेंशन उसके बाद है हमारी द सिक्स सेवन वन सिक्स आई ये एक वेरियन फीचर है जो कि मतलब जो कि क्या है इम्प्रिंचमेंट है गैस सिस्टम का इंस्टेड ऑफ शॉर्ट पुश पुश्रॉट गैस सिस्टम का ओके जो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स हैं वाइट नाइट कॉप्स आर्म्ड वो जो है इनको यूज़ करती है उसके बाद टी नाइन्टी वन असल्ट राइफल्स ये ताइवान मेड राइफ़ल है इसको यूज़ किया जाता है स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा और गरुड ऑफ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये राइफल जो है इसकी फायरिंग स्पीड है एट हंड्रेड राउंडस पर मिनट ये जो राइफल है ये बेस्ड है टी एटी सिक्स असल्ट राइफल पे विद सम फीचर्स ऑफ एम सिक्सटीन एंड ए आर एटीन राइफल्स इसके चार फायरिंग मोड्स हैं सेफ मोड सेमी ऑटोमेटिक मोड तीन बस्ट मोड एंड फुली ऑटोमेटिक मोड उसके बाद एफ एन FN एफ एन स्कार जो है वो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस कॉम्बैट असोल्ट राइफल है ये एक फैमिली है गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिक राइफल की जिसको डेवलप किया गया था बेल्जियन मैनुफेक्चर एफ एन हॉस्टल इन दो हजार चार इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था विद मोडलिटी वो फॉर द यूनाइटेड स्टेट स्पेशल ऑपरेशन कमांड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्कार कॉम्पिटिशन देन वी हैबाइन है वो फाइव पॉइंट फाइव इन टू फोर्टी फाइव एम एम नाटो एयरकूल गैस ऑपरेटेड डायरेक्ट इम्प्रिजमेंट मैगजिन फेट सेलेक्ट फायर कार्बाइन है इसके पास फोर्टीन पॉइंट फाइव इन बैरल होते हैं और एक टेलीस्कोपिक स्टॉक होता है ये इसेंशली लाइटर है शॉर्टर वेरियंट है एम सिक्सटीन ए टू असॉल्ट राइफल का उसके बाद आई डब्ल्यू आई टेवॉड जो आई डब्ल्यू आई टेवॉर्ड टार ट्वेंटी वन है वो एक इजरेली बुल पप एसोल्ट राइफल है जिसको चाम्बर किया गया है फाइव पॉइंट फाइव सिक्स इंटू फोटी फाइव एम एम नाटो कैलिबर के साथ विद अ सेलेक्टिव फायर सिस्टम विच इज़ सेलेक्टेड बिटवीन सेमी ऑटोमेटिक मोड एंड फुल ऑटोमेटिक फायर मोड ये जो टेवो है इसको डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस किया गया है इसराइल वेपन इंडस्ट्रीज के द्वारा इसके इसके जो दो वेरियंट है मेन टार ट्वेंटी वन और सी टार ट्वेंटी वन उसके बाद ए के टू जीरो थ्री जो ए के टू जीरो थ्री है वो वेरिएंट है ए के हंड्रेड फैमिली का ओके और जो ये है इसको कंसीव किया गया था अराउंड दो हज़ार नौ में और ये एक इम्प्रूवड वेरियंट है बेसिक ए के हंड्रेड सीरीज का सिक्स सेवन वन सिक्स जो है वो एक बेटल राइफल है ओके और जो कि बेस है सेम डिजाइन पे बट ये चैम्बर की जाती है फॉर द लार्जर राउंड जैसे सेवन पॉइंट सिक्स टू इन टू फिफ्टी वन एम एम नाटो एंड यूज़ करती है एस आर ट्वेंटी फाइव पैटर्न मैगजींस सो गाइज दैट वॉज ऑल पार्ट टू आएगा उसमें हम बाकी भी कवर करेंगे फॉर नाउ दैट इज़ ऑल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल एस एस पी सक्सेस थैंक यू गाइज ब बाय टेक केयर